जुलाई का महीना है, आजकल रोज बारिश होती है। मार्बल क्वीन, ये मार्बल क्वीन प्लांट है, पोथोस की वैरायटी है। इसकी लीव्स ऐसे खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत, देखिए इसमें कितनी अच्छी वेरिएशन है सब लीव्स में। तो आज मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी और दिखाऊंगी कि मैं कैसे कटिंग लेती हूँ। टर्मिनल कटिंग्स लेंगे, टर्मिनल मतलब होता है एकदम एंड की। ये टिप है, यहाँ से ग्रोइंग टिप है यहाँ, और इसको मैं खाली छोटी कटिंग लूंगी यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये हर नोड से एक एक रूट सिस्टम निकला हुआ है। अगर मैं इतना भी काट के लगाऊंगी ये इजिली लग जाएगा, मगर मैं टर्मिनल कटिंग ले रही हूँ और कई सारी लूंगी। देखिए दूसरी वाली भी ले ली, और लाते साथ इसको क्या करूंगी, इसको इसमें पानी में लास्ट लीव हटा देंगे हम लोग। ये लास्ट लीव हटा दी और ये रूट ऑलरेडी है दोनों में। अब इसको खाली हम लोग इसमें पानी में डाल के रखेंगे। जब भी कटिंग लें साथ साथ पानी में ज़रूर डालते रहें इसको। एक ये वाली भी कटिंग ले लेती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी है, इसको यहाँ से लूँगी। और एक ये लीफ काट दूँगी मैं, ताकि हम लोग जब लगाएंगे तो ये मिट्टी के अंदर रहेगा, लीफ अगर मिट्टी में लगी रही तो वो ख़राब हो जाएगी। एक ये भी ले ली हम लोग ने, एक और लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, एक ये वाली ले लेती हूँ कटिंग, इसमें भी एक काट देती हूँ। बस ये हो गया। अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली लगाएंगे अगर ऐसे करके, तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा मिट्टी में रहेंगे अगर। ये तीन गमले मैंने तैयार कर लिए हैं, और तीनों में बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल ली है। इसके लिए मैंने लिया है एक पार्ट सैंड लिया है, एक पार्ट गार्डन सॉइल लिए, और एक पार्ट मैंने कॉम्पोस्ट, और एक पार्ट मैंने लीफ मोल्ड लिए। कॉम्पोस्ट में मैंने काउडंग मैन्योर लिया है, और लीफ मोल्ड कंपोस्ट दोनों नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है, साथ में नीम खली बोन मील। चलिए इनमें अब लगाते हैं हम लोग। ये कटिंग लगाने का टाइम है, तो मैंने जेड की भी कटिंग कर रखी है। जेड तो छोटी छोटी कटिंग भी इजीली लग जाती है, और ये तो हम लोग ने देख ही लिया कैसे कटिंग तैयार करते हैं। और ये दोनों गमले, दो गमलों में मैं लगाऊंगी ये मार्बल क्वीन पोथोस, और एक में हम लोग लगाएंगे ये जेड। तो शुरू करते हैं लगाना, और इसमें तो ये वाला लगाएंगे हम लोग, पूरा भर देंगे इसको। और इसमें जेड लगाऊंगी, ये अभी खाली रख लेती हूँ, देखूंगी इसमें क्या लगाना है। ऐसी मैंने ये सारे कटिंग से लगाए हुए हैं जेड, जितने भी लगे हुए हैं। ये मैं बारिश का पानी लेके आई हूँ, बारिश का पानी मैंने कलेक्ट कर रखा था, इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लूंगी, इसी से वॉटरिंग करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं लगाऊंगी ये वाला प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें सब में रूट्स लगी हुई हैं। देखिए एकदम फ्रेश है, इसको काटे हुए मेरे को आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है, मगर साथ साथ मैंने लगा दिया था। ये देखिए ये रूट है, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। सारे में ऐसे लगा देंगे हम लोग। ये गमला देखते देखते एकदम बुशी हो जाएगा प्लांट। एकदम तैयार है ये, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें वॉटरिंग करेंगे हम लोग ये फंगीसाइड वाले पानी से, और इसको बहुत कम पानी डाला है क्योंकि थोड़ी सॉइल मॉइस्ट थी। और ऐसे ही अब जेड को हम लोग रूटिंग हार्मोन लगा के करेंगे। इसमें तो रूट्स ऑलरेडी थी, इसमें रूट्स डेवलप करनी है, इसलिए रूटिंग हार्मोन लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ये लगाने के बाद। ये दोनों गमले तैयार हो गए कटिंग के। आप भी मॉनसून टाइम है, इसका मॉइस्चर का फायदा उठा के आप भी कुछ गमले कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये 20 डेज का अपडेट है, ये सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट लग चुके हैं मेरे ख्याल में, तो 100% ही है। नहीं, एक रह गया है खाली, ये वाला, ये भी लग ही चुका था, बाकी सब लग चुके हैं 100%। और इसमें भी 100% सक्सेस है, कितना खूबसूरत और नई लीव्स भी आ गई हैं इसमें।
तो ये मौसम का जरूर फायदा उठाएं, मॉइस्चर एयर में है, आपकी हर कटिंग लग जाएगी। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।